परमेश्वर ऊंचा करे उसे कोई नीचा नहीं कर सकता। उस ऊंचा करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करे। सब जन जोर से तारीफ करे। ऐसी तारीफ जो आज तक कभी नहीं की, ऐसी तारीफ जो आज तक कभी नहीं की। सब जन झूमते हुए तारीफ करे। तारीफ करे सब जन, तारीफ करे सब जन परमेश्वर की। वो जीवित परमेश्वर की तारीफ करे। वो जीवित परमेश्वर की तारीफ करे। सब जन झूमते हुए तारीफ करे। झूमते हुए तारीफ करे परमेश्वर की। और जो
तो खोल नहीं सकता। हे परमेश्वर, जो दरवाजा हमारे जीवन में शैतान ने खोला है वो बंद हो जाए, और जो दरवाजा परमेश्वर तेरी ओर से आज इस कलीसिया के जीवन में खुले, आज इस कलीसिया के जीवन में परमेश्वर तेरे वो दरवाजे खुले जो दीर्घायु से भरे हुए हैं, जो स्वास्थ्य से भरे हुए हैं, जो महिमा से भरे हुए हैं, जो गवाहियों से भरे हुए हैं। परमेश्वर आज तेरा वो दरवाजा खुले जिसमें परमेश्वर सेहत है, जिसमें दीर्घायु है, जिसमें एक अच्छा बिजनेस है, जिसमें एक अच्छी रिलेशनशिप है, जिसमें एक अच्छा परिवार की ब्लेसिंग है। वो दरवाजा इनके जीवनों में खुले। हर एक शर्म इनके जीवनों से जाती रहे, हर एक शर्म को आज मैं शर्मिंदा करती हूँ, हर एक शर्म इनके जीवनों से जाती रहे परमेश्वर, हर एक शर्म आज इनके जीवनों से खत्म हो परमेश्वर, तेरी आग उतरे परमेश्वर, क्योंकि तू एक भस्म करने वाली आग को भेजता है। वही आग आज इनके जीवनों में उतरे परमेश्वर, वही आग आज इनके जीवनों में उतरे परमेश्वर, तेरा आत्मा इनको छुए परमेश्वर, तेरी भस्म करने वाली आग इन्हें छुए परमेश्वर, हर एक अंधकार की शक्ति इनके जीवनों को छोड़ के जाती रहे परमेश्वर, हर एक अंधकार की शक्ति इनके जीवनों से खत्म हो जाए परमेश्वर, तेरा आत्मा इन्हें छुए परमेश्वर, तेरा आत्मा इन्हें साथ करे परमेश्वर, आज स्थान पे आना परमेश्वर, इनकी जिंदगियों से हर एक शर्मिंदगी को दूर करे, हर एक शर्मिंदगी इनके जीवनों से दूर हो जाए, हर एक शैतानी दरवाजा इनके जीवनों से बंद हो जाए, हर एक शैतानी दरवाजा इनके जीवनों से बंद हो जाए, परमेश्वर की गवाहियों का दरवाजा इनके जीवनों से खुले, बीमारियों का दरवाजा इनके जीवनों से बंद हो जाए, चंगाई का दरवाजा इनके जीवनों में खुले, हर एक मौत के स्पिरिट का दरवाजा इनके जीवनों से बंद हो जाए, दीर्घायु का दरवाजा, चंगाई का दरवाजा इनके जीवनों से खुले, एक अच्छा बिजनेस, एक सक्सेसफुल बिजनेस होना, सक्सेसफुल सफल बिजनेसमैन होने का दरवाजा इनके जीवनों से खुले, बिजनेस फेलियर का दरवाजा इनके जीवनों से बंद हो जाए, हर एक बीमारी का दरवाजा इनके जीवनों से बंद हो जाए, चंगाई का दरवाजा इनके जीवनों से खुले, हर एक शर्मिंदगी का दरवाजा इनके जीवनों से बंद हो जाए, परमेश्वर का ऊंचा उठाया जाना इनके जीवनों में आज आज शामिल हो, इनके जीवनों में परमेश्वर का ऊंचा उठाया जाना, वो स्वर्गीय दरवाजा, वो ब्लेसिंग्स का दरवाजा इनके जीवनों से आज खुले, परमेश्वर तेरा आत्मा हमारे जीवनों में काम करे, परमेश्वर तेरा आत्मा आज हर एक कलीसिया के एक एक जन को छुए, जिस तरह से परमेश्वर तूने मुझे ऊंचा किया, परमेश्वर तूने मुझे बंधुआइयों से, शर्मिंदगियों से निकाला, उसी तरह से परमेश्वर हर एक जन जो परमेश्वर की प्रेजेंस में है उनकी जिंदगियों से हर एक शर्म जाती रहे, हर एक बीमारी जाती रहे, हर एक पांच पना जाता रहे, हर एक अशुद्ध आत्मा जाती रहे, हर एक शैतानी दरवाजा आज बंद हो, और परमेश्वरीय दरवाजा आज इनके जीवनों से खुले। सारी महिमा परमेश्वर के नाम को देते और मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमेन, आमेन, आमेन। सब जन, सब जन अपने स्थानों पे बैठ जाएं, और आत्मा में हमेशा आप ऊंचे रहें, आत्मा में ऊंचे उठाए जाएं, क्योंकि जिसे परमेश्वर ऊंचा करे उसे कोई नीचा नहीं कर सकता। हालेलुया। सब जन परमेश्वर के नाम को धन्य करें अपने हाथों के द्वारा, अपने दस्तार वाली बाजों के द्वारा, सब जन परमेश्वर के नाम को धन्य कहें। आज सचमुच परमेश्वर ने एक ग्लोरी को दिखाने के लिए, एक ग्लोरियस महिमा को आज यहाँ पर स्थापित करने के लिए आज आपको भेजा है। हालेलुया। आप मेरी गवाही को जानते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह अद्भुत रीति के साथ मुझे ब्लेस किया। हालेलुया। कितने जन आनंदित है मुझे देखकर यहाँ पर। पहले तो एक ग्रेस थी जो परमेश्वर के दास की लाइफ में थी, जिस ग्रेस को आप फॉलो करते थे, आज एक डबल ग्रेस, एक मेरी ग्रेस भी आज शामिल हो चुकी है। हालेलुया। आज से आप डबल ग्रेस का हिस्सा हैं आप। हालेलुया। आज से डबल ग्रेस आपके जीवनों का, आपके परिवारों का, बच्चों का, आपकी लाइफ का, आपकी जनरेशन का हिस्सा है। आमीन। आप सब ब्लेस्ड हैं, आप सब ब्लेस्ड हैं आज। आप जानते हैं कि मैं जब मसीह में थी किस तरह से परमेश्वर ने मुझे चुना, और मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने किस तरह से, जब दुखों में थे हम, जब हम शर्मिंदगी में थे,
जब हम बीमारी में थे, जब सब रास्ते बंद हो चुके थे, जब हम मसीह में थे, मसीह में आने के बावजूद भी दुखों में, बीमारियों में थे, लेकिन फिर भी हमने परमेश्वर के नाम को धन्य कहना नहीं छोड़ा था। हालेलुया, हमने हमेशा परमेश्वर के नाम को धन्य कहा। आप सबने सुना कि किस तरह से परेशानियों में, बीमारियों में हमने हमेशा परमेश्वर के नाम को धन्य कहा। जब कोई भी हमारे घर में आता था, पूछता था कैसे हैं आप, क्या है आपके घर में, क्या चल रहा है, तो हमेशा यही बोलते थे कि हम बहुत खुश हैं। वी आर सो हैप्पी इन क्राइस्ट। हम परमेश्वर में आने के बाद हम बहुत आनंदित हैं। परमेश्वर ने हमें ऐसी शांति दी जो कहीं से हमें नहीं मिली थी। ऐसा अनुग्रह परमेश्वर ने दिया, ऐसी सामर्थ्य, एक सच्ची शांति हमारे जीवन में थी और वही हम अंगीकार करते थे। हालेलुया। और आप देखते हैं कि एक दिन परमेश्वर ने कहा एक अनोखे, एक ग्रेसफुल स्थान पर लाकर मुझे खड़ा कर दिया। आमीन। वो क्यों पॉसिबल हुआ? क्या मुझे में बहुत सी क्वालिटीज थी? नो, सिर्फ एक बात, एक क्वालिटी, एक परमेश्वर का अनुग्रह था कि अपने दुखों में, परीक्षाओं में, अपनी बीमारियों में, अपनी परीक्षाओं में, स्ट्रगल्स के दिनों में हमने हमेशा परमेश्वर के नाम को धन्य कहा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को सदा धन्य कहा था, इसीलिए परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया, ऊंचा किया। परमेश्वर ने अपने कामों के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना, ना केवल बीमारियों से निकाला, ना केवल परमेश्वर ने उन शर्मिंदगियों को दूर किया, ना केवल परमेश्वर ने हमें बीमारी के श्राप से निकाला, बल्कि आज देख लो आप, परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ अपने कामों के लिए मुझे चुना। हालेलुया। और वो भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट डे इन क्रिश्चियनिटी, मेरी लाइफ में ईस्टर डे के दिन परमेश्वर ने मुझ पर जाहिर किया था, परमेश्वर का आत्मा उतरा था और परमेश्वर ने जाहिर किया था कि एक दिन मैं तुम्हें अपने कामों के लिए इस्तेमाल करूंगा। और उस दिन मैं परमेश्वर के घर में गई थी, और वो दिन जो अब थोड़े दिन पहले परमेश्वर के दूत ने फिर से आकर मुझे वही याद कराया कि परमेश्वर ने तुम्हें प्रीचिंग करने के लिए, परमेश्वर ने तुम्हें सुसमाचार सुनाने के लिए चुना है। हालेलुया। वो क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि हर हाल में, अपने दुखों में, तकलीफों में हमेशा परमेश्वर के नाम को धन्य कहा। आमीन। धन्य कैसे कह सकते हैं? धन्य कहने का मतलब है परमेश्वर की वर्शिप करना। हालेलुया। परमेश्वर की वर्शिप करना, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर को धन्य कहना। आमीन। वर्शिप हम एक शुरू से, हम एक ट्रेनिंग करके म्यूजिक की, हम शुरू और ताल के साथ अच्छी आवाज निकाल के परमेश्वर की वर्शिप नहीं करते, इसे ही वर्शिप करना नहीं कहते। वर्शिप वो है जो हर एक जन, हर एक विश्वासी अपनी लाइफ में, परमेश्वर की प्रेजेंस में अपने दिल को खोल के परमेश्वर को धन्य कहे। आमीन। वो वर्शिप है, वो सच्चा आराधक है। आमीन। वही सच्चा आराधक है। और वैसे ही सेम दिल के साथ, दिल को खोलते हुए मैंने परमेश्वर की आराधना की और परमेश्वर ने मुझे अपने कामों के लिए, अद्भुत कामों के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना। हालेलुया। जिन बातों की मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, वो काम परमेश्वर ने, वो कल्पनाएं मेरे जीवन में परमेश्वर ने सिद्ध की और परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ मुझे ब्लेस किया। आमीन। क्योंकि शैतान आपकी ग्लोरी को हमेशा ढकता है, वो आपकी ग्लोरी को हमेशा रैपर में बंद करता है, आपकी महिमा को वो दरवाजे में बंद करके उस दरवाजे को बंद कर देता है। लेकिन परमेश्वर उसी दरवाजे को एक दिन खोलता है, परमेश्वर उसी रैपर को एक दिन अनरैप करता है, परमेश्वर उसी महिमा को एक दिन सबके सामने उजागर करता है। हालेलुया। शैतान ने मेरे गले को बंद किया, मेरी आवाज नहीं निकलती थी बिल्कुल भी। आप सबने सुना है कि कभी भी मैंने अपनी स्टडी की, जब मैंने पीजीडीसीए किया, उसके बाद मैंने पहले ग्रेजुएशन किया, पीजीडीसीए किया, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने एमएससी आईटी किया, इतना पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी मैं कभी भी किसी के सामने बोल नहीं सकती थी। मुझ में इतना हियाव नहीं था, दलेरी नहीं थी, या कह लो कि शैतान का अटैक था, कि मैं कभी किसी के सामने खुल के बात नहीं कर सकती थी। लेकिन उसी गले को परमेश्वर ने आज ब्लेस किया। हालेलुया। उसी गले को परमेश्वर ने चुना है, उसी गले को छुआ परमेश्वर ने, कि आज बहुत से लोग बचाए जा रहे हैं, बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को उसी गले से, उसी आवाज से सुन रहे हैं। हालेलुया। तो उसी तरह से आपकी जिंदगी के जिस भी हिस्से पर शैतान ने अटैक किया, जिस भी हिस्से को शैतान ने बांधा है, एक दिन परमेश्वर उसी हिस्से को खोलेगा, आपकी महिमा को ऊंचा करने के लिए, अपनी महिमा को आपके जीवनों से उजागर करने के लिए। हालेलुया। आप सब ब्लेस्ड हैं क्योंकि बाइबल में जितने भी हीरोज हैं, जितने भी हम परमेश्वर के दासों के विषय में सुनते हैं, उन्होंने अपने दुखों में, बीमारियों, परेशानियों में हमेशा परमेश्वर के नाम को धन्य कहा। हालेलुया। दुखों में सच्चे आराधक जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। एक आराधक वो
जो दिल से परमेश्वर की आराधना करते हैं अपने दुखों के दिनों में भी, हालेलुया, जो अपने दुखों में, जो बीमारियों में, जब सब रास्ते बंद हो गए, रोगों से ग्रसित हैं, सबने साथ छोड़ दिया, फिर भी परमेश्वर की आराधना करें, फिर भी परमेश्वर के वचन पर खड़े रहें, वो एक सच्चे आराधक होते हैं, हालेलुया। जिस तरह से अय्यूब ने, जब पूरी बॉडी पर उसके जख्म हो गए, पूरी बॉडी जो थी रोगों से ग्रसित हो गई, उसकी पत्नी ने उसका साथ छोड़ दिया, बच्चे, बिजनेस, सब कुछ खत्म हो गया, अपने दुखों में भी उसने परमेश्वर के नाम को धन्य कहा, हालेलुया। अपने दुखों में भी उसने परमेश्वर के नाम को धन्य कहा, उसने कहा कि जिसने दिया उसी ने लिया, उसी का नाम धन्य हो, हालेलुया। और एक दिन परमेश्वर ने ना केवल 100 गुना जो था उसका, जो खत्म हो गया था, ना केवल वो बल्कि उससे दुगना परमेश्वर ने उसे वापस किया, हालेलुया। 100 गुना नहीं, 200 गुना परमेश्वर ने उसे वापस किया। वो क्यों? क्योंकि अपने दुखों में भी उसने परमेश्वर को धन्य कहना नहीं छोड़ा, हालेलुया। वो होते हैं सच्चे आराधक। आप में बहुत से दुखी होंगे लोग, बहुत से बीमारियों में होंगे, दुखों में होंगे, लेकिन अगर आपने अय्यूब की तरह दुखों में भी परमेश्वर को धन्य कहना नहीं छोड़ा, तो एक दिन परमेश्वर दुगना मसा आपको देगा, दुगनी गवाहियां देगा, दुगनी ग्रेस देगा, हालेलुया, डबल ग्रेस देगा, डबल गवाहियों के साथ आपको ब्लेस करेगा, आमीन। दूसरी तरह के सच्चे आराधक वो जो कंफ्यूजन में, जब कोई रास्ता दिख नहीं रहा, सब कुछ बंद है, सब कुछ ब्लैक हो चुका है, पूरी कंफ्यूजन है लाइफ में, शंकाओं में है, डाउट है कि अब क्या करें, इधर जाएं या उधर जाएं, तब भी वो परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं, परमेश्वर के वचन पर अड़े और खड़े रहते हैं, वो दूसरी तरह के सच्चे आराधक होते हैं, हालेलुया। और बाइबल में इसकी, और बाइबल में हमें इसकी एग्जाम्पल मिलती है, सब जन परमेश्वर के नाम को धन्य कहें, और बाइबल में कंफ्यूजन में होकर भी परमेश्वर के नाम को धन्य कहना, यह हमें रूथ के जीवन से पता चलता है, हालेलुया, कि किस तरह से रूथ, जब उसका पति मर गया, उसका ससुर मर गया, जब वो अपना घर परिवार घराना सब कुछ छोड़ के वो आई थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था, कंफ्यूजन थी लाइफ में, कुछ भी नहीं दिख रहा था, किधर जाएं, क्या करूं मैं अब, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के नाम को धन्य कहा, हालेलुया। जब सब कुछ खत्म हो गया, फैमिली खत्म हो गई, घर परिवार को पीछे छोड़ दिया, फिर भी उसने परमेश्वर के नाम को धन्य कहा, और हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर में अड़े और खड़े रहने के कारण, परमेश्वर के नाम को धन्य कहने के कारण, एक दिन उसे एक आशीषित, ब्लेस्ड, एक परमेश्वर को मानने वाले व्यक्ति के साथ उसकी शादी हुई, और जो औलाद उसके हुई, प्रभु यीशु मसीह की ब्लड लाइन के साथ उसका नाम जोड़ा गया, हालेलुया। तो ये कितनी धन्य बात थी कि रूथ कंफ्यूजन में, जब सब रास्ते बंद हो गए, फिर भी उसने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा, परमेश्वर को धन्य कहा, और वो एक दिन ब्लेस की गई, हालेलुया। सो उसी तरह से आप में बहुत से लोग कंफ्यूजन में होंगे, सब रास्ते बंद हो गए, अब हम क्या करें, ये सोच रहे होंगे बैठे, तो सिर्फ परमेश्वर के वचन को पकड़े रहें, सिर्फ परमेश्वर की ओर देखते रहें, सिर्फ एक मन रहें परमेश्वर के साथ, सिर्फ यही सोचे कि अगर रूथ को परमेश्वर ब्लेस कर सकता है, तो परमेश्वर एक दिन आपको भी ब्लेस करेगा, हालेलुया। सब जन धन्यवाद करें परमेश्वर का। और तीसरे आराधक वो जिन्होंने अपनी गवाहियों को पा लिया है, हालेलुया, जो अपनी गवाहियों तक पहुंच चुके हैं, अपनी टेस्टिमनीज को पा लिया, बड़े सुख और आराम से अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन सुखों में, उन अपनी गवाहियों को पाने के बाद उस आराम की लाइफ में भी उन्होंने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा, हालेलुया। तीसरे आराधक वो होते हैं, हालेलुया, कि अब सब कुछ मिल गया, परमेश्वर को से जो मांगा वो सब कुछ परमेश्वर ने दे दिया, सभी गवाहियां परमेश्वर ने हमारी जीवन में पैदा कर दी, सभी शर्मिंदगियां दूर हो गई, गरीबी दूर हो गई, सब कुछ सही हो गया लाइफ में, और फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करना, उसकी प्रार्थना करना, रोजों में रहना, पवित्र टाइम में रहना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर के नाम को हर स्टेप पर ऊंचा करना, तीसरे आराधक वो होते हैं, हालेलुया। जिस तरह से एस्तर ने रानी बनाई गई पूरे राज्य की, और रानी बनाए जाने के बाद भी उसने हमेशा पवित्र टाइम में रही, परमेश्वर के नाम को धन्य कहा, रोजों में रही, परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा, और एक दिन जब यहूदियों पर विपत्ति आई, उस दिन ना केवल वो बचाई गई, ना केवल यहूदी बचाए गए,
बाइबल लिखा है कि अन्य बहुत से लोग उस दिन मसीह में आए थे। हालेलुया, हालेलुया। सब जन ऊंची आवाज में हालेलुया। आप सब ब्लेस्ड हैं आप। और फोर्थ, वो आराधक जो सताव में, जब सताव आता है क्रिश्चियनिटी में, मसीह में चलने के बाद, परमेश्वर के वचनों पर चलने के बाद, आप बिल्कुल सही चल रहे हैं परमेश्वर में, परमेश्वर के वचनों पर सही चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई आपका विरोध करे, सताव आने के बाद भी मसीह में खड़े रहना, परमेश्वर के नाम को धन्य कहना, वो होते हैं चौथे आराधक। हालेलुया। और जैसे कि हम दानियल के विषय में पढ़ते हैं कि जब मसीह का वर्शिप करने के कारण, परमेश्वर में अड़े और खड़े रहने के कारण, तीन टाइम परमेश्वर की वर्शिप करने के कारण, किस तरह से उसे जब शेरों की मान में गिराया गया, फिर भी उसने परमेश्वर की आराधना की, फिर भी उसने परमेश्वर के नाम को धन्य कहा। हालेलुया। और किस तरह से मोर्द के जब यहूदियों पर स्ताव आया, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर में खड़ा रहा, वो परमेश्वर के नाम को धन्य कहता रहा, जब उसे कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, जब राजा को उसने बचाया हमलावरों से, कोई रिवॉर्ड नहीं मिला राजा की ओर से, कोई प्राइज नहीं मिला, कोई ऑनर नहीं किया गया, फिर भी उसने परमेश्वर के नाम को धन्य कहा। हालेलुया। और फिर हम आगे चल के क्या देखते हैं कि वही मोर्दके की पूरे राज्य में प्रतिष्ठा की गई, उसे रॉयल वस्त्र पहनाकर, शाही वस्त्र पहनाकर, शाही मुकुट पहनाकर, शाही घोड़े पर बैठाकर पूरे राज्य में उसका आदर किया गया, पूरे राज्य में उसका मान सम्मान किया गया। हालेलुया। सो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में जो शर्मिंदगियां हैं, जो परीक्षाएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो श्राप हैं, अगर उन्हें तोड़ना चाहते हैं तो परमेश्वर के सच्चे आराधक बन जाएं आज से। हालेलुया। परमेश्वर की सच्ची आराधना करने शुरू कर दें आज से, परमेश्वर की ओर मुड़े, परमेश्वर की ओर जाएं, अपने दिल को परमेश्वर के लिए खोलें, तो एक दिन परमेश्वर अपने आसमान से आपके लिए खिड़कियां खोलेगा और सब चीजें जो आपको चाहिए, जो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, वो सब कुछ परमेश्वर आपको देगा। आमीन। तो परमेश्वर वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। Everything is possible for Christ. आज आप मुझको देख रहे हैं कि बिना किसी क्वालिटी के बोल नहीं सकती थी, फिर भी परमेश्वर ने लाखों लोगों के सामने खड़ा कर दिया। गरीबी में थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर के नाम को धन्य कहा। कोई किराया ना होने के बावजूद अपने आस पड़ोस से, गांव से मांग मांग कर परमेश्वर के घर में आना सबसे प्रथम रखा। बीमारियों में भी परमेश्वर के नाम को धन्य कहा। अपने मुंह से एक शब्द नहीं हमसे निकलता था कि हमारे घर में ये बीमार है, हम दुखों में हैं, कि मसीह में आए हुए हमें एक साल हो गया, दो साल हो गया, तीन साल हो गए, अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अभी कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई गवाही आ रही है। नो, हमने हमेशा परमेश्वर के नाम को धन्य कहा कि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, वो एक दिन हमें भी छुएगा, वो एक दिन हमें भी ब्लेस करेगा। हालेलुया। एक सच्चे आराधक की तरह उसके पीछे पीछे चलते रहे, और आज देख लो परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ हमें ब्लेस किया। आमीन। और इसी तरह से परमेश्वर के दास अद्भुत रीति के साथ परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया। जब वो अपसेट थे, जब वो बीमारियों में थे, जब उनके परिवार ने उनका साथ छोड़ दिया था, सभी ओर से स्ताव था, उन दुखों के दिनों में, उन परीक्षाओं के दिनों में भी उन्होंने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा, परमेश्वर के सच्चे आराधक बने रहे। तो परमेश्वर ने ना केवल उन्हें ब्लेस किया, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, ना केवल उनसे उन्हें शिफा दी, ना केवल उनकी बीमारियों को दूर किया, ना केवल उन्हें परमेश्वर ने डिवाइन बुद्धि दी, परमेश्वर ने आत्मिक बुद्धि दी, ना केवल परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया, ऊंचा किया, बल्कि परमेश्वर ने लाखों करोड़ों रूहों को बचाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया। हालेलुया। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया, तो उसी तरह से परमेश्वर के सच्चे आराधक बने। आमीन। कितने जन तैयार है परमेश्वर की आराधना करने के लिए? एक सच्ची आराधना, निस्वार्थ आराधना, जिसमें कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, ऐसी आराधना करने के लिए आज कितने जन तैयार हैं? आज आप सब ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की अद्भुत महिमा को अपने जीवनों से, अपनी आंखों से देखने पाएंगे।